चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सो हेलो भाई, आ चुके अपने न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम चल रहे हैं, देखिए बहुत दिन से सिटी और भी ट्रेवल विथ फन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, आप देखकर खुद समझ गए। पहले ही एक क्लिक पैट में डाल दिया था कि आप समझ गए होंगे। सो चलिए अभी यहाँ। वंस मोर चलिए अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, चलेंगे डायरेक्टली हम खेत में, क्योंकि बहुत दिन हो गया यार, बहुत दिन हो गया मुझे घूमे हुए खेत में। सो वहाँ की हरियाली दिखाएंगे और बाल दिखाएंगे कि पता नहीं कैसा भुट्टा उट्टा का, जहाँ जाएंगे वहाँ उस प्रकार से बोला जाता है। सो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। देखिए इधर भी जंगल लग रहा है, देखिए पूरा जंगल है ना। और इधर से आएंगे अगर इस साइड से भी जा सकते हैं, लेकिन इस साइड से थोड़ी दूर पड़ेगी। और इस साइड से भी देखिए पूरा मूज पड़ा है। सो सोचिए, और देखिए वहाँ पे है रोड जहाँ से एक ट्रेन जा रही है, रुकिए दिखा रहे हैं। देखिए एक ट्रेन जा रही है ना, उस पुल होते हुए जाएंगे अगर हम लोग तो देर लगेगी जाते टाइम। सो अब हम लोग निकलेंगे यहीं से, देख रहे हैं कहीं पे इसी मूज से निकलेंगे। चलो भाई निकलते हैं। देखिए धान का भी खेती होता है, बट बहुत 10% होता है हमारे बलिया जिला में, 10% ही धान का खेती होता है। बाकी चीटिंग 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 करता है तू। 90% अभी के डेट में देखेंगे तो मक्का, हाँ, और मिर्च उर्च सब्जी उब्जी में यही सब बोया है यार। भाई आ चुके हैं खेत में और ज़्यादा मक्का तो कट चुका है, मक्का कट चुका है। और देखिए यहाँ पे मक्का रखा हुआ है कुछ, देखिए काट कूट के सब लोग रखे हैं उसको छिलने के लिए। और हम लोग यूं ही देख रहे हैं कि कहाँ पे है मक्का, उस साइड है। सो उस साइड चलेंगे और जूम करके अच्छे से दिखाएंगे एक म्यूजिक के साथ, अच्छा लगेगा आपको। देखिए इतने दूर आ गए हैं पूरा खेत में, और इतने दिन बाद मैं आया हूँ, क्योंकि 5-6 महीने हो गया मुझे ऐसे जगहों पर आए हुए। और फाइनली वीडियो के लिए सोचा कि सुबह मैं उठ रहा हूँ तो चलूँ। चलिए आगे दिखाते हैं अभी आपको पास से कि आ गए हैं, इतना सारा बाल लगा है। और मैं तो सोचा कि पूरा ख़त्म हो गया है आते समय, क्योंकि पूरा कट चुका था ना। सो अभी है, अब दिखाएंगे आपको हम कि इसमें खाने लायक भी बचा है, मतलब जो लोग पका उका के खाते हैं उबाल के खाते हैं उसके लायक भी बचा है, या पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब अब इसका दाना बन जाएगा वैसा है। तो सुनिए अभी हम, मतलब देखिए बैक कैमरे से दिखा रहे हैं आपको, एक छिलेंगे। ए रतन आओ छिलो एक। अभी ये आ गया और एक बाल छिल करके दिखाएगा आपको कि ये खाने लायक बचा भी है। कोई भी छिलो, कोई भी एक छिलो, छिल कर दिखाओ। नहीं ये तो ऐसे ही दिख रहा था, मतलब कि ये खाने लायक नहीं बचा है, इसको छिलो, ये थोड़ा हरा है, ये खाने लायक बचा है कि नहीं। देखिए मतलब कोई भी बाल अभी के डेट में अक्टूबर के इस 10-11 तारीख के 12 तारीख के बीच में खाने लायक बचा नहीं है, होगा 10 खोजेंगे तो एक तो मिलेगा ही। देखिए यही है सब भुट्टा वट्टा का खेत, थोड़ा बारीकी से दिखाएंगे आपको म्यूजिक के साथ, वो और एट्रेक्टिव लगेगा। रुकिए ये दवा मरा रहा है घास जरने के लिए ना। हाँ देखिए भाई इतना सारा मतलब घास फूस लगा है, ये सब जल जाएगा इस दवा से। दवाइया का नाम हो, दवाइया का नाम हो पता भाई? राउंडर 240 और ग्रैक्सिन, यही दो दवा है जिससे कि ये सब जितना घास फूस दिख रहे हैं वो सब जल जाएगा। इतना सारा मक्का पूरा साफ हो जाएगा घास फूस जल के, देखिए बहुत ज़्यादा है ना। और मक्का भी पूरा ख़त्म है, काट कूट करके देखिए बहुत कम बचा है। और इधर गल्ला लगा है, देखिए इधर इतना सारा गल्ला लगा है। अब मजदूर लोग आएंगे दिन में और इसको छील देंगे, छील उल करके। उन लोग एक दिन का 70 बाल लेकर जाते हैं, वो लोग एक दिन का जो 50 बाल लेकर जाते हैं, 50 बाल सॉरी। और देखिए ये सब टाल किया हुआ है, और एक बार ये बाल को हम दिखाएंगे, हरा बाल को, वो म्यूजिक के साथ होगा, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। Even now,
सो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आया था थोड़ा दिखाने के लिए, मतलब हम भी थोड़ा घूम उम लें, इससे माइंड फ्रेश व्रेश हो जाए। सो इसके लिए आया था और अभी देख लिया तो टावर देखने का है, कोई टावर नहीं देखा है, बोला है टावर दिखाने के लिए ब्लॉगिंग में, मतलब कुछ भी टावर कोई नहीं देखा है। तो चलिए भाई यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली सुबह बहुत ही जल्द। सो आप यूँ ही वीडियो में जुड़े रहिए, और कुछ दिखा रहा है मेरे को, हाँ ये कर लो पहले क्या है यार, ये तो दिमाग खराब कर रहा है। बताइए घूम कर दिखा रहा है, लग रहा है मैं नहीं घूम पाऊंगा। मैं तो वो क्या होता है, क्रिस के जैसे उड़ भी सकता हूँ। चूतिया बनाया तुमको। सो चलिए आ चुके हैं इतने ऊपर छत पे, और यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि इस पे से अब शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, दो चार शॉर्ट वीडियो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बहुत थोड़ा डांसिंग वाला बनाएंगे हम।